आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। नेम द प्लेसेस अंडर द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। इस क्वेश्चन में आपको कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन जो है उसके बारे में, उसके प्लेसेस के बारे में बताना है कि वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अब प्लेसेस तो बहुत है, बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट की बात ही की जाएगी, सिंस कि आप सारे प्लेस के बारे में नहीं बता सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन इज वन ऑफ द 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हालांकि एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रियल रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन इज कम्पेरेटिवली स्मॉलर, ठीक है, बाकी जो इंडस्ट्रियल रीजन है, बट स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं? ऑब्वियस बात है कोल्लम है सबसे पहले, क्योंकि कोल्लम से ही ये शुरू होता है, एंड तिरुवनंतपुरम है। सेकेंड, थर्ड क्या है? थर्ड है कोची। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कोची। थर्ड है कोची, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डिमेंशन से अगर आप देखें तो। फोर्थ अगर आप देखें तो अलवई इज ऑल्सो प्लेस इन केरला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडस्ट्रियल रीजन। एंड देन आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस प्लेस आलापुझा, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द पोर्ट सिटीज ऑफ केरला, एकदम ही जो वेस्टर्न पॉइंट है उस वो बिल्कुल ही पोर्ट पे है, ठीक है, कोस्टल एरिया है। फोर्थ इज सम नेक्स्ट इज अलुवा। अलुवा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो एर्नाकुलम, वन मोर इज एर्नाकुलम, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मेजर प्लेसेस इन द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। अब इनमें से जैसे आप कोल्लम की बात करें, कोल्लम पोर्ट सिटी है, तिरुवनंतपुरम पोर्ट सिटी है, कोची पोर्ट सिटी है, अलापुझा पोर्ट सिटी है, एर्नाकुलम पोर्ट सिटी है, ये चार पांच जो है इनमें से वो बिल्कुल ही टिप पे है ऑन द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या है, इसके वेस्टर्न घाट पे होने की वजह से फायदा क्या मिलता है? फायदा मिलता है कि वो वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है, क्योंकि उन्हें यहां से पानी मिल जाता है बहुत ही इजिली, ठीक है। सेकेंड जो चीज है, वहां पर भले ही मिनरल्स की कमी है, बट वहां पे एग्रीकल्चर और प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांटेशन वाले ही एरिया में है, पूरे ग्रीन एरिया में है, कोस्टल एरिया में है। थर्ड जो वहां की क्वालिटी है जिसकी वजह से इससे फायदा हो रहा है, दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग की वजह से भी उसे बहुत फायदा मिल रहा है। सो दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज देयर शिफ्टेड। ओके, आई होप इट वॉज क्लियर गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।